हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ केले से बनने वाली बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक, जिसे कहते हैं बनाना शेक। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 केले। इसके लिए मैंने ये 2 केले ले लिए हैं। हम इसी से इसे बनाएंगे। इन दोनों केले को मैं छील लेती हूँ। बनाना मिल्क शेक हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे हम वेट गेन ड्रिंक की तरह भी यूज़ करते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये देखिए, हमने दोनों के लिए काट ली। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक ब्लाइंडिंग जार, और हम इसमें डाल देंगे अब दूध। जो हमने दूध लिया है 2 गिलास, वो इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 गिलास दूध ली, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ये केले डाल दिए हैं इसमें, जो हमने काट लिए थे, और कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए। आप ड्राई फ्रूट कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप इसमें डालना चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आइस क्यूब नहीं डाली है, लेकिन दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ही लें। अगर आपको भी वेट गेन करना है तो सुबह 1 गिलास दूध ले सकते हैं नाश्ते में। देखिए गाइस, इसके बाद हमने गार्निशिंग के लिए ये चॉपर ले लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बादाम, काजू और ये पिस्ता चॉप करूँगी। हमारे ये बादाम, काजू, पिस्ता चॉप इसके बाद ये मैंने 2 गिलास ले लिए हैं, और इसमें मैं चारों तरफ चॉकलेट सिरप लगा देती हूँ, जिससे बच्चों को पीने में बहुत मज़ा आएगा और वो देखते साथी से पीने के लिए दौड़ेंगे। इसके बाद हमने बनाना शेक ग्लास में कर दिया है, और ऊपर से थोड़े से ये कटे हुए बनाना इसमें डाल दिए हैं। बहुत छोटे छोटे कटे हुए हैं ये बनाना हमने इसमें डाल दिए हैं। ये चॉप जो करे थे हमने ड्राई फ्रूट, ऊपर से ये डाल देते हैं। इसकी वजह से हमारा बनाना शेक बहुत ज़्यादा हेल्थी बन जाएगा। और बीच में थोड़ा सा हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप। हमारा बनाना शेक बनके तैयार हो गया। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो पर।